हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं चिकन शेफर्ड्स पाई। इसके लिए मैंने हाफ के जी चिकन का कीमा लिया है। आप मटन में भी इसको बना सकते हो। एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अनियंस जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसको मैं पिंक होने तक फ्राई कर लूँगी। अनियंस हमारी पिंक हो गई है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। इसको भी मैं सॉटे कर लूँगी। गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन का कीमा जिसको मैंने वॉश कर लिया है। इसे मैं कलर चेंज होने तक कुक कर लूँगी। कीमा हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। इसमें सॉसेस भी ऐड होंगे, इसके लिए मैंने सॉल्ट कम ही डाला है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। मैंने वूस्टर सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास वूस्टर सॉस नहीं है तो आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स डालूँगी। आप चाहो तो मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हो। इसमें मैं 1 टीस्पून पार्सली ऐड करूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं एक चिकन का क्यूब ऐड करूँगी। मैंने इस तरह का मैगी का एक क्यूब लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टमाटर जिसको मैंने हाफ क्रश कर लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से भून लूँगी। कीमा हमारा अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप ग्रीन पीस, 1 कैरेट जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके कीमा पूरा पकने तक कुक कर लूँगी। गैस का फ्लेम मैंने स्लो रखा है। कीमा कुक हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चीज़ की स्लाइस। इससे ये थोड़ा क्रीमी हो जाएगा। अगर आपको चीज़ की स्लाइस नहीं ऐड करना है तो जब हम चिकन का कीमा भूनेंगे तब आप 1 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड करके उसी के साथ भून लें। कीमा हमारा कुक हो गया है। गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर दूंगी। अब हम पटेटोस की फिलिंग बनाएंगे। मैंने 1/2 kg पटेटो लिए हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। इसको मैं मैश कर लूंगी। 1 टीस्पून पेपर ऐड करेंगे। इस तरह का चीज़ स्प्रेड लिया है मैंने, इसमें मैं 2 टेबलस्पून चीज़ स्प्रेड ऐड करूंगी। इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें आप चाहो तो 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। 1 एग योक ऐड करूँगी और 1/4 कप मिल्क ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका हमें एक स्मूथ मिक्सचर तैयार कर लेना है। मैंने 1/4 कप मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। अब हम शेफर्ड्स पाई को असेंबल करेंगे। मैंने इस तरह की एक ओवन प्रूफ डिश ली है और जो कीमा मैंने प्रिपेयर किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। एक चीज़ का क्यूब मैं इसके ऊपर ग्रेट कर लूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड करें। इस पर ये जो पोटैटो का मिक्सचर था वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। इस तरह मैं इसे नीट कर लूँगी। पूरा पोटैटो का मिक्सचर मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। कीमे के मिक्सचर को हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। अब मैं इस तरह एक फोक से इस तरह थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने इस तरह स्ट्रेट लाइंस इस पर बना लिए हैं, आप चाहो तो जिगजैग में भी बना सकते हो। अब मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करूँगी, थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। इसे अब मैं 180 डिग्रीज पर सेंटर रैक पर प्री हीटेड ओवन में 20-25 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। हमारा शेफर्ड्स पाई बनकर रेडी है, इसे अब हम सर्व करेंगे। इस तरह हम इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।